हेलो फ्रेंड्स, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएससी की ओर से नया और इम्पोर्टेंट नोटिस आ गया है। और ये जो अपडेट हुआ है झारखंड बैगन सहायक पत्रकार परीक्षा 2021 को लेकर के है। ये इम्पोर्टेंट नोटिस आप देख सकते हैं कि 20 अप्रैल 2022 का ये नोटिस है। तो देखते हैं क्या है। तो ये जो है कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 3/2021 और 4/2021 बैकलॉग के आलोक में आज झारखंड वैज्ञानिक सहायक पत्रकार परीक्षा 2021 में संबंधित अभ्यर्थियों का उत्तर पत्र रेस्पॉन्स शीट आयोग की वेबसाइट www.jssc.nic.in पर प्रकाशित किया गया। तो यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि जितने भी कैंडिडेट्स थे वे लोग जो एग्जाम लिखे हैं झारखंड वैज्ञानिक सहायक पत्रकार परीक्षा उनका जो है रेस्पॉन्स शीट यानी कि उत्तर पत्र को वेबसाइट पर डाल दिया गया। ये जो है वेबसाइट आप लोगों को ध्यान में रखना है। उक्त परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी अपना उत्तर पत्रक यानी कि रेस्पॉन्स शीट उपरोक्त वेबसाइट पर प्रकाशित लिंक से अपना कैंडिडेट्स आईडी, रोल नंबर तथा जन्म तिथि डालकर दिनांक 20/4/2022 से 5/5/2022 की मदद से प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो एग्जाम लिख चुके हैं वे लोग अपना रेस्पॉन्स शीट को देख सकते हैं कितना से। तो वह है 20 अप्रैल से लेकर के 5 मई तक की मध्य रात्रि तक आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पर आप लोगों को कैंडिडेट्स आईडी में रोल नंबर डालना है, साथ साथ आपको डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है। उक्त तिथि की समाप्ति के बाद किसी भी अभ्यर्थी को उनके उत्तर पत्रक आयोग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। ये जो डेट दिया गया है इस डेट के बाद आप लोगों को ये देखने नहीं मिल जाएगा। तो आप लोग जो है अपना रेस्पॉन्स शीट को देख सकते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट नोटिस है और यहाँ पर देख सकते हैं इसके अलावा में यहाँ हस्ताक्षर परीक्षा नियंत्रक है तो यही एक नोटिस आया। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि झारखंड साइंटिफिक असिस्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो लिखे हैं वो अपना रेस्पॉन्स शीट को यहाँ पे देख सकते हैं। अब रेस्पॉन्स शीट को कैसे करते हैं उसके लिए जो है लिंक वो भी जारी हो चुका है। तो देखते हैं वहाँ पर क्या क्या करना है, कैसे भरना है, वो सब देखते हैं आगे में हम लोग। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इसको सारी की सारी चीज़ों को ध्यान देंगे। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे जो है गूगल सर्च बॉक्स में जाना है और यहाँ पर आप लोगों को JSSC टाइप कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर JSSC टाइप कर देता हूँ। जैसे JSSC टाइप करते हैं तो आप लोग इसे फिर सर्च में डालते हैं। सर्च में डालने के बाद मैं आपको इस वाले जगह पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर JSSC लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक जैसे करते हैं तो आप लोगों के पास में इस प्रकार का एक नया पेज खुल जाएगा। और इस पेज में आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करके भी जाना है और यहाँ पे देखिए आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि रेस्पॉन्स शीट क्लिक लिंक करके दिया गया है यहाँ पे। तो आप लोगों को वहीं पे क्लिक करना है। तो देखते हैं सबसे पहले व्यूअर में क्लिक कर लेना है। व्यूअर में जैसे क्लिक करते हैं तो रेस्पॉन्स शीट का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आप लोगों को फिर एक ऐसे पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल्स दिया हुआ है रेस्पॉन्स शीट लिंक फॉर JSSCE कंपिटेटिव एग्जामिनेशन जो कि है वैज्ञानिक सहायता वाला। तो यहाँ पे डिटेल्स में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं डिटेल्स में तो आप लोगों को ऐसे दिखेगा। फिर यहाँ पे ओके कर लेना है साफ साफ। फिर यहाँ पे जैसे आप ओके करते हैं आप लोग कुछ इस प्रकार का एक नया पेज खुल जाएगा और ये कुछ नया अपडेट आया हुआ इस प्रकार से। तो यहाँ पे देख रहे हैं राइट साइड में यहाँ पर रेस्पॉन्स प्रोसेसिंग सिस्टम, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। इसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है रेस्पॉन्स प्रोसेसिंग सिस्टम कैंडिडेट्स लोग कैंडिडेट आईडी डेट ऑफ बर्थ दिया गया है यहाँ पे साइन इन करने के लिए। तो यहाँ पे जिसका भी अपना रोल नंबर है कैंडिडेट आईडी जो है वो यहाँ पे डालना है, फिर डेट ऑफ मंथ ईयर को डालना है, फिर साइन इन करना है। जैसे साइन इन करेंगे तो फिर आपको अगले वाला जो प्रोसेस रहेगा वो आप लोग को दिखाया जाएगा, साथ साथ में आपका जो है रेस्पॉन्स शीट वो भी दिखाई देगा। तो इस प्रकार से एक नया वर्जन में यह पूरा कैंडिडेट्स लोग, तो आप लोग इस प्रकार से सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो यही एक बहुत बड़ा अपडेट है। तो आप लोग सारी चीज़ों को ध्यान देंगे जितने भी कैंडिडेट्स एग्जाम लिख चुके हैं।